नमस्कार दोस्तों, है फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में। जिनको पीलिया हो जाता है, मतलब पीलिया की निशानी क्या है कि नाखून पीले हो जाते हैं, आंखों का रंग पीला हो जाता है, चेहरे का रंग पीला हो जाता है, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि वो प्रॉब्लम को आप घर में कैसे ठीक कर सकते हो। और वो प्रॉब्लम जो है बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है और उसकी दवा लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मतलब उसको टेंशन में नहीं लेना चाहिए कि हम पीलिया हो गया, हम दवा लेके आए, ऐसा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो प्रॉब्लम को आप घर में ठीक कर सकते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा कंडीशन है आपकी नॉर्मल, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरत है। मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाना हो लगवा सकते हो, टैबलेट खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप घर में जो ट्रीटमेंट हम बताने जा रहे हैं वो आप करोगे तो पीलिया की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जो है वो भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो भी हम डालेंगे और आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और इससे हमारे को खुशी होती है ना कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, वीडियो को आगे से आगे शेयर करते हो, तो हमारा मन भी करता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। और चलिए बात करते हैं पीलिया के बारे में। आप जानते हो आंख का बूटा होता है, आंख आम ज्यादातर रोड के आसपास मिल जाते हैं। मैं वैसे इस वीडियो में ना एक फोटो दे दूंगा, आंख के बूटा जिसके ऊपर लोग शनि ग्रह को टालने के लिए तेल डालते हैं, बूटे के ऊपर तेल डालते हैं ना, वो बूटा क्या होता है, सड़ जाता है, सड़ जाता है, सूख जाता है। वो उसकी जो ऊपर वाली नर्म सी कोबल होती है, वो नर्म सी कोबल को आपने तोड़ के रख लेना है। तोड़ के रखने के बाद क्या करना है, आपने उसका पाउडर बना लेना है। मतलब 3, 4, 10 कॉम्प्ले आप रख लीजिए, 20, 50 भी रख सकते हो। यदि आप मतलब बनाना चाहो तो भी आप आग के बूटे के ऊपर तेल डाल देना, और तेल डालने के बाद वो बूटा जो है सूख जाएगा, सड़ जाएगा। उसके बाद उसकी कॉपल तोड़ लेना है। कॉपल तोड़ने के बाद आपने थोड़ा सा पाउडर बनाकर रख लेना है, और वो पाउडर जब भी किसी को पीलिया की शिकायत हो जाए तो वो पाउडर को आपने, एक पान होता है आम दुकानों पर मिल जाता है, पान जो पान सेल करते हैं उनकी दुकानों पर मिल जाएगा, आपको मीठा पान लेना है। एक होता है मतलब कड़वा पान, वो नहीं लेना है, मीठा पान लेकर मीठा पान के बीच माचिस के तीली के बराबर, वो उसका जो मसाल लगा होता है ना, माचिस की तीली के ऊपर जो मसाल लगा होता है उस मसाल के बराबर उसको डाल लेना है दवा को, पान के बीच मिलाकर, और उस दवा को ऐसे ही मुंह में रखकर आपने खा लेनी है, और देखना जो पीलिया की प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगी। और 3 से 4 बार खाओ, बिल्कुल ठीक। यदि कोई जे नहीं कर सकता, जे आपको दिक्कत वाली बात लगती है तो केला जानते हो आप, केला, केले के बीच भी इस दवाई को लगाया जा सकता है। यदि केले के बीच दवा नहीं आपको मिल रही, चूना मिल जाता है आम, वो भी पान की दुकान पर आपको चूना मिल जाएगा। चूना जो है वो भी आपको तीली के मसाल के बराबर चूना लेना है, जैसे कणक के दाने के समान चूना लेकर केले के बीच डालकर और केले को खा लेना है, और आपको जो पीलिया की प्रॉब्लम है इससे भी बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको किसी वैद्य की सलाह जरूर लेनी है, उनसे पूछना जरूर है, जो भी आपके नजदीक वैद्य होगा उनसे एक बार सलाह ले लेना और पूछ लेना।